हेलो टीचर्स, अब हम देखते हैं कि हमको अल्फाबेट्स जो बनाने होते हैं वो हम किस तरह से लिखें, कौन सा सही तरीका है, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग निश्चित रूप से आपकी और आपके बच्चों की भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, जब आप स्लीपिंग लाइन बनाते हैं तो लेफ्ट टू राइट, इसी मेथड को फॉलो करते हुए चलिए हम अलग अलग लेटर्स एक बार बनाना देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ए ड्रॉ करना है ना, तो ए के लिए आप इस तरह से ऊपर से नीचे, इधर भी ऊपर से नीचे, और उसके बाद में ये बीच की लाइन, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, आप इस तरह से लाएंगे नीचे, ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, और फिर बीच में इस तरह से लाइन। ये प्रैक्टिस आप बच्चों से भी करवा के देखिए। जब आप बी बनाएंगे तो बी में भी इसी तरह से आप ऊपर से नीचे लाइन को लाएंगे, ठीक है। अब ये कर्व इस तरह से शुरू होता है, ये ऐसे और ये जाके ऐसे, ठीक। फिर से कोशिश करते हैं, आप लाइन ऊपर से नीचे लाएंगे, उसके बाद आपका बी जो है वो ऐसे इस तरह से घूमेगा कर्व। देखिए कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से, ये हो गया आपका बी। सी फिर कर्व पे है इस तरह से, ये हमको हाफ सर्कल ड्रॉ करना होता है। उस हाफ सर्कल को आप देखिएगा, ऊपर से घूमेगा हाथ आपका और ये आके नीचे, ये हो गया सी। देखिए आपका बच्चा कहीं नीचे से ऊपर ऐसे तो सी नहीं घुमा रहा है, आपको इस चीज को देखना है, ऊपर से कर्व घूमता हुआ नीचे तक आएगा। अब जैसे आपको डी बनाना है, ठीक है, ये देखिए ऊपर से नीचे ये, और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से आप इसको क्या लाएंगे, ये हाफ सर्कल, ये देखिए ऊपर से नीचे डी आएगा, और फिर इस तरह से आप इसको इस हिसाब से कर्व बना देंगे, ये हो गया आपका डी। अब ई देखेंगे, ई में भी वही चीज है, आप ऊपर से लाइन नीचे की ओर लाइए, ये ई। अब तीन लाइंस होती हैं, हम फर्स्ट लाइन को पहले बनाएंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन उससे थोड़ा छोटी, और फिर ये लाइन बराबर, ये हो गया आपका ई, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ऊपर से नीचे, और आपने इस तरह से लाइन को क्या किया, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान देना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे एफ, ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे हमारी लाइन आ गई, ये आपने इस तरह से एफ बना दिया, ई एफ। एक बार और ऊपर से नीचे, ये देखिए F, ठीक है। अब हम आते हैं अपने G पे, G में आपको फिर उसी C की तरह से कर्व लेना है, ये, और ये ऊपर जाके ये हो गया आपका G। फिर से एक बार देखिए, आपने ऊपर से ये कर्व घुमाया, ये आया इधर, इसको हाफ तक ले जाइए। अब यहां से आपको फिर लेफ्ट टू राइट, और ये ऊपर से नीचे जी। एच बनाना है, एच में हमको ये ऊपर से नीचे एक लाइन बनानी है, इधर फिर एक और ऊपर से नीचे एक लाइन बनानी है, और इसको बीच में लेफ्ट टू राइट जॉइन कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से ये देखिए एच, ये, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आई पे, ये देखिए ये लाइन हो गई, ये आई। एक बार फिर से देखें, ये देखिए आई। अब देखिए जे, जे में ये लाइन, फिर ये ऊपर से आया नीचे की ओर, और फिर आपने इसको क्या किया, घुमा दिया। एक बार फिर से
ये देखिए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड कर्व। जे के लिए ऊपर से नीचे लाइन, ये देखिए इसको इस तरह से ले आइए, ये के लाइन सीधी यहां से लाइए इस तरह से, फिर यहां से लाइए इस तरह से, जे के, ठीक है। अब देखिए एल, आप ऊपर से नीचे लाइन लाइए और इसको लेफ्ट टू राइट एल, एक बार फिर से, ये हो गया आपका एल, क्लियर। आइए कुछ और अल्फाबेट्स बना के देखते हैं। अब जैसे हमको लिखना है एम, ठीक, एम के लिए ये देखिए, ये एक लाइन हो गई ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है, और ये भी ऊपर से नीचे, ठीक। एक बार फिर से कोशिश करें, ये देखिए ऊपर से नीचे स्लैंटिंग लाइन, ऊपर से नीचे ये स्लैंटिंग लाइन, ऊपर से नीचे और ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे। हम आते हैं नेक्स्ट लेटर पे, अल्फाबेट पे, एन, ऊपर से नीचे, यहां फिर एक लाइन और ऊपर से नीचे और आप लेफ्ट टू राइट इस तरह से स्लांटिंग लाइन को ले आइए एन, एक बार फिर से, ये लाइन, एक और लाइन और लेफ्ट टू राइट स्लांटिंग लाइन, ठीक। ओ, ये तो पूरा सर्कल है, आप देखिए आप उसको किस तरह से ऐसे एक कर्व इधर से, एक कर्व इधर से, ओ और खूबसूरत बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, एक कर्व इधर से और एक कर्व इधर से, ठीक है। ओ, अब हम देखते हैं पी, पी के लिए ऊपर से नीचे एक लाइन आ गई और आपको अब बनाना है कर्व, ठीक, ये एक बार फिर से, ये देखिए ये हो गया पी, ठीक। अब इसी तरह से आपको क्या बनाना है, क्यू, क्यू को भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, ये देखिए एक कर्व, एक और कर्व और यहां पे ये, फिर से एक बार, ये एक कर्व आपने बनाया, ये एक और कर्व आपने बनाया, दोनों कर्व को आपने ज्वाइन कर दिया, क्यू। अब बनाना है आर, इस तरह से देखिए ऊपर से नीचे, ये एक कर्व और ये लाइन ऊपर से नीचे, एक बार फिर से, ये देखिए ये लाइन, ये कर्व और ये फिर ऊपर से नीचे, ठीक। अब आते हैं एस पे, ये देखिए ये घुमाया आपने एक कर्व और ये घुमाया आपने दूसरा कर्व एस, फिर से, ये देखिए ये घुमा आपका एक कर्व और ये घुमा आपका सेकंड कर्व, ये हो गया एस। अब आते हैं टी पे, ये टी इस तरह से लाइन लाइए और इसको डाउन, फिर से एक बार, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ये आर एस टी। अब आते हैं हम यू पे, ये देखिए ऊपर से नीचे और ये भी ऊपर से नीचे और इसको आपको कर्व से जोड़ देना है यू, एक बार फिर से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और आपको यहां पे इसको किससे जोड़ना है, एक कर्व बना के छोड़ देना है, ये बन गया आपका यू। अब आते हैं वी पे, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन नंबर टू, टॉप टू बॉटम, एक बार फिर से, स्लांटिंग लाइन नंबर वन,
स्लैंटिंग लाइन नंबर टू यूवी, डब्ल्यू इस तरह से, फिर ये इधर से देखिए, फिर इस तरह से ऊपर से नीचे, आपको सारे स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे लेने, ये देखिए ये बन गया W। एक बार फिर से करें, देखिए ये देखिए, ये यहां से ये लाइन ऊपर से नीचे, ये लाइन ऊपर से नीचे, और फिर ये लाइन ऊपर से नीचे W X। ये देखिए ये एक स्लैंटिंग लाइन, उसको बीच से काटती हूं, ये एक स्लैंटिंग लाइन, ये X हो गया। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं X को, ये वंस अगेन, ये देखिए एक लाइन ऊपर से नीचे, ये एक और लाइन ऊपर से नीचे, और आप चाहें तो इसको इस तरह से बना दीजिए X। अब हम आते हैं Y पे, Y में आपको एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है, ये, और एक स्लैंटिंग लाइन ये बन गया आपका Y। एक बार फिर से, आप चाहें तो इस स्लैंटिंग लाइन को भी पहले ले सकते हैं, ये और ये हो गया। ये देखना है अपसाइड डाउन, अप टॉप टू बॉटम ही जाए, आपको इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है। अब Z बनाने के लिए ये देखिए, ये एक लाइन, ये एक लाइन स्लांटिंग लाइन इधर से, और फिर ये एक लाइन। वंस अगेन ये देखिए, आपने लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ये बन गया आपका Z। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमको स्मॉल लेटर बनाना है तो हम किस तरह से करेंगे। आइए स्मॉल लेटर्स को देखते हैं। स्मॉल लेटर्स कठिन नहीं है, वो भी सरल है, थोड़ा सा हमको ध्यान भर देना है कि जो हमने अभी जो सीखा है कि किस तरह से हमको ऊपर से नीचे या कर्व को किस तरह से बनाना है। जैसे आपको ए बनाना है तो ए के लिए सबसे पहले कर्व, ठीक है, आप इसको बल्कि ना बड़ा ना करके ये देखिए, ये एक बार और ये देखिए, यहीं से निकलेगा, क्योंकि छोटे लेटर्स जो होते हैं वो जनरली, एक बार और ये देखिए, ए मिला हुआ जा रहा है, एक साथ जा रहा है ए, ठीक है। इसके बाद बी, ये देखिए फिर से ये बी, फिर से बी, सी कर्व है, ये देखिए हाफ सर्कल सी, ये ठीक है। डी ये हुआ, अब आप चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये या अगर आपका हाथ घूम सक रहा है तो घुमा लीजिए, इसमें आपको पेन उठाने की या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये अगर ऐसे जाके आप इस तरह से बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको सिंपली इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इस लाइन को इस तरह से ऊपर से नीचे ले आइए, ये डी बन जाएगा। कोशिश करके देखेंगे, हम आते हैं ई पे, ये देखिए ई, एक बार फिर से ई, ठीक है। अब एफ ऊपर से नीचे कर्व लाइन, ये इस तरह से, यहां से कर्व, यहां से लाइन, ठीक। जी पहले आपने बनाया ये कर्व, जी एक बार फिर से ये देखिए, जी मिट गया था है ना। एच ये देखिए,
एच, ये लाइन ऊपर से नीचे, यहां से ये एच, एक बार फिर से ये देखिए एच, ठीक है। इसी तरह से आई, ऊपर से नीचे डॉट, ऊपर से नीचे डॉट, ऊपर से नीचे डॉट, ठीक है। जे, ऊपर से नीचे जे, काफी ऊपर चला गया मेरा, इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर से नीचे आया, अब इसको आप यहां से टर्न कर दीजिए जे। इसके बाद के, लंबी लाइन, आपको जगह छोड़ना है के, बीच से नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, हम स्मॉल के बना रहे हैं ये, ठीक है। ये देखिए ये के, इसमें कैपिटल के और स्मॉल के में यही फर्क होता है, जब आप कैपिटल के बनाएंगे तो ये कैपिटल के बनेगा, ये जो बीच से आएगा, और जो स्मॉल के बनेगा वो आपको थोड़ा सा उससे नीचे से लेना है ये। इसके बाद हम आते हैं एल पे, एल देखिए, एल सीधी लकीर के रूप में, एन ऊपर से नीचे, ये एल। इसके बाद एम, ये देखिए ये कर्व, इसी से मिलाइए ये कर्व, इसी से मिलाइए ये कर्व, एल एम, ठीक। एक बार और देखते हैं, ये 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 एम, इसी तरह से एन आ जाएगा, ये आप इस तरह से लाए नीचे, यहीं से उठाइए एन, ठीक है। ओ, छोटा ओ, सिंपल आप इस तरह से बना सकते हैं गोल, एल एम एन ओ। पी, ऊपर से नीचे बीच से कर्व, पी ऊपर से नीचे बीच से कर्व, पी। क्यू, बिल्कुल इसी तरह से कर्व आएगा, ऊपर से नीचे लाइन इस तरह से, क्यू इस तरह से। अब आर, बहुत सारे लोग ऐसा वाला आर बनाते हैं ये, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस आर में जब हम गैप कर देते हैं तो वो आर वी जैसा लगने लगता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे एक और आर सीखें, ये देखिए ये इस तरह से उठा के ये, ठीक है। इसके बाद एस, बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा एस, ये टी, ऊपर से नीचे कर्व कट, फिर से एक बार ये देखिए, ठीक है। यू, ये देखिए ये आपने कर्व लिया, ये आया ये घूम गया, इस तरह से लिया कर्व, ये आया यू। वी, छोटा वी तो आप इसी तरह बना लेंगे, ये छोटा वी इस तरह से। डब्ल्यू, ये देखिए ये डब्ल्यू, डब्ल्यू। एक्स, ये देखिए एक्स पूरा कर्व पे है, ये एक्स, ये हो गया आपका छोटा वाई, ठीक है। ये देखिए ये वाई। जेड, छोटा जेड ऐसा बनता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये कर्सिव राइटिंग का जेड हो जाएगा, आप इसको ऐसे ही बना लीजिए ये जेड, स्मॉल जेड। तो ये थी आपकी स्मॉल राइटिंग, इस पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अच्छा बना सके, कर्व्स
और एंगल्स को ध्यान दीजिए किस तरह से आपको करना है, और निश्चित रूप से अगर इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी कराइए। साथ ही मैं एक चीज़ और आपको कहना चाह रही थी कि अगर बेटर है कि हम जब ABCD फिर ये अगर बच्चे अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर ये वाली ABCD इनको सिखाइए ऐसे कि एक आप कैपिटल लिखें और उसके बाजू में एक आप स्मॉल लिखें, ये ठीक है, ऐसे गैप दे देखें कि ये बच्चे लोग इसकी प्रैक्टिस भी करना उनको बहुत ज़रूरी है, ये इस तरह से करवाइए ये, तो कैपिटल और स्मॉल की उनको प्रैक्टिस साथ ही साथ होती चली जाएगी। एक बार जब वो लोग लिखना सीख गए, पहचानना सीख गए, तो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस कराइए। तो जो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम पे बात कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि बच्चे कहीं पर भी किसी का लोअर केस नहीं जानते हैं तो फिर बीच बीच में वो अपर केस डाल देते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सारे लेटर्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, ये देखिए, यहां लाने के बाद में ये फिर इसके बाद में इस तरह से ई, ऐसे ही सारे लेटर्स की जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे ही आप पूरा जेड तक इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, तो बच्चों को किसी भी लेटर का कैपिटल और स्मॉल अच्छी तरह से याद रहेगा। इसमें भी आप बच्चों को एक्सरसाइज बना के दे सकते हैं कि आपने ABCD लिखी, किसी का अपर केस छोड़ दिया, किसी का लोअर केस छोड़ दिया, यानी कैपिटल छोड़ दिया, स्मॉल छोड़ दिया, और बच्चों से फिलअप कराइए। और जो एक चीज हमने पहले वीडियो में बात की आपसे कि ABCD को हमेशा ए से चालू करने के बजाय कभी अलग से भी चालू करके देखिए कि बच्चा समझ पा रहा है कि हर पहले अल्फाबेट को वो ए ही पढ़ रहा है, ये भी प्रैक्टिस करा के देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।